हाय गाइस, मेरा नाम है कनिष्क। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कनिष्क हियर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर से वेट लूज सच में ही हम कर सकते हैं या जितनी भी आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो सब फेक है या सिर्फ लोग पैसे कमाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो मैं आज आपको एक सिंपल सी एक बात बताऊंगा जिससे हम आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि एक्यूप्रेशर से वेट लूज होता है या नहीं। इस वीडियो में हम इसी बात पे, इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और आपको कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो से में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला मेन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्यूप्रेशर से इसका इलाज हो सकता है क्या। फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर से हर चीज का इलाज पॉसिबल है, पर अगर एक्यूप्रेशर से इलाज किस चीज का होता है, एक्यूप्रेशर से आपका फैट लूज नहीं होगा। एक्यूप्रेशर आपके ऑर्गन्स को, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, आपके बीपी को, आपकी मतलब आपके अंदर फोर्स बल पैदा करता है। एक्यूप्रेशर से आप इन सब चीज़ के फंक्शंस को ठीक कर सकते हो, ना कि आपका फैट लूज तो आपको वैसे खुद ही करना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, जो फैट लूज करना है तो आपको खाने पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि फैट आपका तभी बढ़ता है जब आपका लीवर खराब हो। मीन्स आपका डाइजेशन सिस्टम अगर खराब है तो आपका फैट तभी बढ़ेगा। तो डाइजेशन सिस्टम का फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए हम एक्यूप्रेशर का यूज कर सकते हैं। और आपको खाने पे अपनी मतलब रोग जैसा भी आप जो भी खा रहे हो, फास्ट फूड वगैरह, और ढंग से खाना है। और एक्यूप्रेशर आप अगर मान के चलो आप एक्यूप्रेशर कर रहे हो और आप कुछ भी खाए जा रहे हो, कैसा भी खाए जा रहे हो, तो एक्यूप्रेशर भी एक दिन काम करना बंद कर देगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक्यूप्रेशर से भी पहले मैं आपको प्लीज़ बताना चाहूँगा, ढंग से खाना खाओ, 32 टाइम्स चबाओ खाने को, मिनिमम 32 टाइम्स खाने को चबाओ और खाने को ढंग से खाओ। और ये जो अनहाइजेनिक फूड्स होते हैं, नूडल्स, मैदा, इनको कम करो, और ऑयली फूड्स कम खाओ और शुगर को कम करो। इन चीज़ों से आप फैट, ओवर फैट से और स्टमक को फूलने से, मोस्टली देखा होगा कि आपकी बॉडी तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और बॉडी पे इतना फैट नहीं है तो स्टमक स्वूलन हो रहा है, मतलब फूल रहा है, उसको बचने से आपको सिर्फ यही करना पड़ेगा। इससे करने से आपका अगर खाने पे कंट्रोल है तो एक्यूप्रेशर काम बहुत ही अच्छे तरीके से करेगा। माइंड का ठीक रहना जरूरी है। जैसे आपकी लाइफ है, जिंदगी जीने के लिए सबसे अच्छा ठीक रहना है माइंड का। अगर आपका माइंड ठीक नहीं है तो आप पैसे नहीं कमा सकते, स्ट्रेस रहोगे, एंजाइटी होती है और मीन्स उससे कुछ माइंड में आता है, वो हार्मोनल डिसबैलेंस होता है माइंड खराब होने से। अगर आपका माइंड जब भी ठीक होगा तब आपकी बॉडी ठीक है। अगर आपकी बॉडी ठीक है तो माइंड ठीक हो सकता है, नहीं से माइंड ठीक नहीं होगा। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है स्टमक। अगर आपका पेट ठीक है, मीन्स डाइजेशन सिस्टम ठीक है, सुबह को अच्छी तरीके से आपका पेट साफ होता है तो आपका माइंड काम करेगा। अदरवाइज आपका माइंड कभी किसी भी स्टेट में ढंग से काम तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं किसी थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद मेरे खुद के साथ ऐसा कुछ होता था और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से मैं निकल के आया हूँ। अब भी मोस्टली ऐसा कभी कभी हो जाता है, बट उससे निकलने के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ वही है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है और कुछ भी नहीं है। तो माइंड का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, और माइंड का ठीक रहना, डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक रहना डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर फैट एंड मसल्स की परसेंटेज कितनी है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, मसल कम है, तो आपकी बॉडी और माइंड में ज़्यादा माइंड आपका ख़राब रहना ही रहना है। क्योंकि आप तो और अगर आपके आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कम है और मसल्स परसेंटेज ज़्यादा है और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा है, बीपी भी अच्छा है, सब चीज़ एक्यूरेट होती है इससे, तो आपका मतलब है माइंड तो आपका ठीक है ही। तो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अब वेट लॉस की। वेट लॉस में फ्रेंड्स सबसे अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बता दूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है CV6 के नाम से और CV4 के नाम से। CV का है कंसेप्शनल वेसल कहते हैं हम CV को, और CV6 और CV4 जो पॉइंट होते हैं ये नाभि के सिर्फ चार उंगली छोड़ के नीचे की तरफ, नाभि के नीचे की तरफ पॉइंट होते हैं। तो आपको CV6 दबाना है, उसको रोटेट करना है एंटी क्लॉक वाइज दिन में दो बार। आप इसको दिन में 5 मिनट 2 बार ही कर सकते हो। इससे आपको बहुत ही, इससे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके, जैसे कि आप चार्ट में देख भी रहे हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके इंटेस्टाइनल से, मतलब आपके स्टमक, मीन्स स्टमक की जो डिजीज है वो यहीं से फैलती है, क्योंकि नाभि का कनेक्शन होता है पूरे ऑल ओवर बॉडी पे, पूरे स्टमक का एक सेंटर पॉइंट होता है नाभि। तो इससे नाभि से आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि हेयर लॉस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, आपको गैस है, डाइजेशन गुड होगा, बीपी कंट्रोल होगा, हार्ट रेट में भी आपका इम्प्रूवमेंट मिलेगा, और
वेसल्स जो मतलब आपकी जो नसें हैं वो खुलना शुरू हो जाएगी और आपको फील अच्छा होगा, माइंड सबसे तेज काम करने लगेगा और खून का मतलब जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छी तरीके से होगा, ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। तो इतना इतना सब कुछ आप इस नाभि के CV6 पॉइंट से क्लियर कर सकते हो। दूसरा पॉइंट्स मैं बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहली वीडियो बता चुका हूँ फुट मैट यूज करने के लिए, फुट मैट भी एक्यूप्रेशर का बहुत ही अच्छा हिस्सा है क्योंकि उस पर पॉइंट्स बने, मतलब उस पर जो भी पॉइंटेड डॉट्स बने होते हैं वो डायरेक्टली एक्यूप्रेशर को हिट करते हैं, तो वो फुट मैट यूज कर सकते हैं। फुट मैट फ्रेंड्स, फुटमैट की मैं आपको बता दूं, फुटमैट जो पैरों में जो पॉइंट होते हैं वो होते हैं LV2, LV3, LV8। LV का मतलब है लीवर। मैंने वीडियो में शुरू होने से पहले भी बताया था कि अगर आप मीठा ज़्यादा खाओगे तो आपका लीवर ख़राब होगा, और तला हुआ खाना खाओगे तो आपका लीवर ख़राब होगा। तो लीवर के फंक्शन को ठीक करने के लिए आपको ये LV2, LV3, LV8 पॉइंट ये बहुत ही ध्यान रखना होगा इन चीज़ों इनका, और इन 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 पे प्रेशर आएगा तो आपका लीवर ठीक काम करने लगेगा। तो इनके प्रेशर के लिए सिंपल सा मैं आपको सीधा सा बता सकता हूँ, आप फुट मैट सबसे अच्छी है, 100 रुपये की आती है, आप वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, खरीद सकते हैं। फुट मैट यूज कर आप अपनी जो आपकी एक्यूप्रेशर, मतलब आप फुट मैट पे सुबह 2 या 3 मिनट चलकर और शाम को 2 या 3 मिनट चलकर दिन में 2 बारी आप फुट मैट से बड़ा ही अच्छा आपको ऐसा मतलब फील होगा कि सच में ही मतलब आपके खाने की थोड़ी पेट साफ होने लगा है और लीवर अच्छी तरीके से काम करने लगा है, खट्टी अटकारे वगैरह बंद हो जाएं, क्योंकि इसका सीधा ब्लैडर से भी, गाल ब्लैडर, पैरों में तो बहुत पॉइंट होते हैं। अगर आप फुट मैट पे खड़े हो गए या उसका फुट मैट का यूज करके करोगे तो आपके जितने भी पैरों में पॉइंट होते हैं वो सभी हिट होंगे। जरूरी नहीं है कि LV2, LV3 ही हिट हो, सभी जितने पॉइंट पैरों में मौजूद हैं और पैरों में सब सारा पैरों में भी सारा सिस्टम मौजूद है, माइंड से लेके हाथ से लेके सब चीज़ तक। तो आपको फ्रेंड्स फुटमैट यूज़ करना है दिन में 2 बारी 3 से 5 मिनट तक का, ज़्यादा मत यूज़ करो, 2 बारी करो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि चुभती है वो स्टार्टिंग में, बाद में आपको अच्छा फील होगा। और इसे सब चीज़ से, ये जो एक्यूप्रेशर है पैरों वाला, इससे सब चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाती है। और इससे इतना भी आपको कुछ नहीं करना है कि आपको ज़्यादातर यूज़ कर रहे हो 5 से 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट, नहीं फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, 3 से 5 मिनट यूज़ कीजिएगा, एक्टिव हो जाइएगा। ये सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ ये कैसे होता है, सबसे ज़्यादा आप अगर आप जैसे सुबह उठते हो, उठते ही इस पे खड़े होगे तो आपको बिल्कुल आपका आलस खत्म हो जाएगा, सब चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी। एक बार सुबह उठते ही ये चीज़ करो और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा प्लीज़ मुझे इस वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे हिसाब से तो कुछ आपको अच्छा मिला होगा, अगर आपको अच्छा मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको कुछ गलत मैंने बताया है तो इस वीडियो को डिसलाइक करें, जितनी बार करना है डिसलाइक करें वीडियो को, ताकि मैं और अच्छा कुछ आपके लिए ला सकूं। और कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा मिला है या नहीं, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स में हेल्प हुई है या नहीं। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने टाइम दिया इतना 7 से 8 मिनट। और फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए वेरी वेरी नाइस डे, और हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ टू यू।